आपके जीवन का एक और आयाम आपने बताया था जी कि किस तरह से आप मालवी के लिए काम कर रहे हैं, मालवी भाषा जी 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 हाँ जी हाँ जी। देखिए हुआ क्या कि यहाँ हम लोग मिमिक्री नाटक वाटक करते थे, फिर एक दिन कुछ बैठकर हम दो तीन लोगों का ये ख्याल आया हम लोगों को कि अपने क्षेत्र की बोली है मालवी, तो मालवी के लिए कुछ करना चाहिए जी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है आज की जनरेशन वो मालवी उन्हें आती भी नहीं जी, शायद उनसे कोई बोलता भी नहीं घर में तो वो भूल भी गए। तो मालवी चूंकि लोक भाषा है और मालवी का एक अपना रंग है, एक मजा है मालवी जी, तो हमने कहा इसके लिए कुछ किया जाए जी। तो मालवी के लिए ही हमने थिएटर शुरू किया जी। हमने एक थिएटर बनाया, उसमें हमने मालवी नाटक शुरू किए और अच्छे क्लासिक चीजें पहले शुरू की हमने जी। एक अपने क्षेत्र में एक कवि हो गए थे आनंद राव दुबे जी, हाँ जी। है ना, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको एक उपाधि दी थी मालव मयूर जी, तो वो उनकी कुछ रचनाओं वो कविता लिखते थे, उन कविताओं को हमने नाटक बनाया जी। हमारे साथी हैं मिस्टर मनोहर दुबे, वो राइटर है, लिखते हैं, उन्होंने लिखा, फिर हमने उसके मंच पे करीब 16-17 हम शो कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मालवी का हमें मिला जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, यानी रंगमंच के माध्यम से आप मालवी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, हमने सोचा अब हिंदी तो काफी लोग कर रहे हैं, अपनी लोक भाषा को बचाए हम बिल्कुल, और आपको खुशी होगी सुनकर कि हमारे शो में यंगस्टर्स आते हैं जी, युवा पीढ़ी के लोग, और वो आते हैं हमसे मिलते हैं, तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इट मीन्स चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता था कि जो आप मालवी में परफॉर्मेंस भी देते हैं जी जी, मैं एक्ट भी करता हूँ मालवी में, मैं अभी रोल करता हूँ जब जब जरूरत पड़ती है, तो कैसे कुछ आप बताएंगे कैसे करें? अच्छा कैसे जी। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा अर्जुन जी, मालवी बड़ी बड़ी भोली भाषा है जी। बड़ी इनोसेंट भाषा है ना, मालवी जब कोई बोलता है या मालवी स्पीकिंग व्यक्ति से आप बात करते हैं तो आप 100% ये मान के चलते हैं कि ये आदमी भोला है, ये चालाकी कर ही नहीं सकता, इस बोली में खासियत है, इसका मजा है। हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम श्रोता, वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि मालवी एक बहुत ही एक सीधी सी बड़े हृदय से सरल सी चलती हुई भाषा है। एक रेलवे स्टेशन का एक सीन था उसमें कि रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर होते हैं, जो अधीक्षक हो गए हैं काफी पोस्ट पर, तो वो अपने कमरे के बाहर खड़े हुए हैं और सीन ये था उसमें कि एक महिला अपने बच्चे को लेके आती है और उनसे पूछती है कि जो स्क्रिप्ट में था, आके पूछती है कि सुनिए भाई साहब, ये एक कलकत्ता मेल यहाँ से कितनी बजे जाती है? तो वो जो थे स्टेशन मास्टर, वो थोड़े बोलने में डरते थे महिलाओं से, महिलाओं से एकदम बात नहीं करते थे ऐसा बताया हमने उसमें जी। तो वो ऐसा थोड़ा स्टैमर करते थे मतलब थोड़ा, तो उसको उन्होंने कहा कि अभी 5:45 पे जाती है जी। महिला 2 मिनट के बाद फिर बच्चे को लेके आई जी, वो आपने क्या बताया था टाइम, मैं भूल गई, मुझे बताइए फिर से। तो फिर उन्होंने कहा अभी तुमको बोला ना कि 5:45 महिला चली गई, लेकिन फिर आई 4-5 बार हो गया जी जी जी। उसके बाद तुमको गुस्सा आ गया जी जी, पर तुमको कितनी बार मैंने बोला कि 5:45 तू कहाँ जाना है? महिला बोली, हमारे तो काम ही नहीं जाना हो, हमारे तो नानो है नहीं छोटो, ये आपकी ये पेपे पेपे बहुत अच्छी लगी थी, तो बार बार कही गई, पूछो नहीं क्या पूछो नहीं। एक बहुत ही देखिए सिचुएशन में कुछ भी नहीं है जी। लेकिन एक सीधा सा कई उसमें एक और एक पत्नी अपने पति को मजाक में कहती थी, ए तुम तो गधड़ा हो। अब उसको बुरा तो लगता है लेकिन ये बात मार्केट में फैल जाती है, तो उसके जो दोस्त उसको मिलता है वो कहता है, यार सुना है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेरा तुम्हारे गधड़ों की रही थी यार। बोले कई बात नहीं, वो कह रही थी, वो कह फलानी वो मासी है नहीं, वह कह रही थी। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है, घर आके लड़ता है और पूरा नाटक इस छोटे से शब्द पे है कि पत्नी को ये हो जाता है गुस्सा इतना कि वो पत्नी को गधा के गधा जी। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ह्यूमर जो है हम लोग उसमें क्रिएट करते हैं और बड़ा हमारे जो समाचार पत्र है हमारे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसमें मालवी के लिए, और आते हैं पूरे टाइम बैठते हैं, देखते हैं और लिखते हैं उसके बारे में, ये बड़ी खुशी की बात है।